वेलकम टू टेक्नोलॉजी वाईफाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगो कैसे बना सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप आपके YouTube चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हो तो कैसे बना जा सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी बढ़िया होता है, लोगो भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए आपकी वीडियो के लिए, ठीक है, आपके चैनल के लिए, जिससे आपके व्यूवर को भी लगे कि आप स्पेशल और विशेष हो, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है लोगो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले लोगो कैसे बनाया जा सकता है, तो सिंपल हम चले आते हैं। अभी कुछ भी यहाँ पे कैनवास ले लेते हैं, मैंने इसमें पिक्सआर्ट का यूज़ किया है। पिक्सआर्ट आप काफ़ी बढ़िया ऐप है और इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगो बना जा सकते हो, इससे काफ़ी बढ़िया लोगो बन जाता है। तो पिक्सआर्ट में कैनवास तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अभी सिंपल थंबनेल वाला ले लेते हैं और यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लोगो के लिए इसमें एक अलग से टूल दिया जाता है, तो हम सिंपल यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और पहले हम हमारा यहाँ पे लोगो बना लेते हैं। सिंपल यहाँ पे एडिट इमेज पे हमने क्लिक किया है। अब आप यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जैसे मान लीजिए कुछ भी चैनल है आपका, कुछ भी जो भी मतलब नाम है चैनल का, सिंपल आपको वो ले लेना है। आप चाहो तो शॉर्ट बना सकते हो, आप चाहो तो पूरा भी बना सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी जैसे छोटा सा नाम दे रखा हो आपने, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, यहाँ पर आपने आपका चैनल का नाम है जैसे टेक है, ठीक है, तो टेक रिव्यू है या टेक व्यू है, जो भी है आपका मतलब चैनल का नाम, पैसे करके भी मतलब जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक। या फिर आपको करना क्या है, आपका जैसे मान लीजिए आपका चैनल का नाम है टेक्निकल व्यू, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक कल, ठीक है, टेक्निकल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्यू, टेक्निकल व्यू, ठीक है। ये टेक्निकल व्यू आपके चैनल का नाम जैसे कि है और मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आपका जो चैनल का जो भी आपका चैनल का नाम है टेक्निकल व्यू है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल और व्यू मतलब इसका जो पहले अक्षर है वो दोनों यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे कर लेते हैं वी भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल व्यू हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे कि अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे सिंपल लेके यहाँ पे इसको रख दिया, जैसे ये देख सकते हो जैसे आप, ठीक है, ये अभी हमने फिलहाल यहाँ पे ले लिया है ना। उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया है। अब आपको कर देना क्या है, अब आप यहाँ पे से इसके लिए नीचे बॉर्डर ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं ड्रॉ में, है ना, टीवी कर दिया उसमें हमने, क्योंकि टेक्निकल व्यू नाम हमने इसी करके एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे से इसके लिए नीचे बॉर्डर ले लेते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। तो सिंपल हमने कर देना क्या है, हमको इस पर क्लिक कर देना है फिल पे, और आपको इस पर सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका मतलब जो भी आपके चैनल का नाम है वो हम यहाँ पे लेंगे। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप चाहो तो इसके सिवा और भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि अब मैं इस पर क्लिक करते हैं और एक कलर छोटा सा और कुछ चीज़ ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कोई भी कलर में हम रेड ही ले लेते हैं वापस, है ना, और यहाँ पे से छोटी सी कुछ चीज़ करके मतलब यहाँ पे जो आपका व्यू है वो व्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं और हम यहाँ पे से आगे बढ़ जाते हैं। हमने राइट पर क्लिक कर दिया है ना। अब आपको कर देना क्या है, इसमें लिख देना है टेक्स, तो हम यहाँ पे टेक्स लिख लेते हैं। अब आपके हिसाब से अच्छे से कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया टूल है। अभी हाल एक सेकेंड में आपका जो लोगो है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देते हैं इस पर, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या था, टेक्निकल और टेक्निकल लिख देते पहले हम यहाँ पे, और क्लिक कर दिया हमने राइट पे, और यहाँ पे नीचे आएगा हम यहाँ पे और इसको छोटा कर देंगे इसके हिसाब से, ठीक है, और इसको आपके हिसाब से यहाँ पे से सेट कर सकते हो आप जहाँ चाहो वहाँ, है ना। फिलहाल आप इसको आपके हिसाब से और अच्छे से भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, आपके हिसाब से आप यहाँ पे से इसको आराम से कहीं भी लेके कर सकते हो। ये कर देने के बाद आपको कर देना क्या है, अब आपको जाना है यहाँ पे नीचे, हम वापस से ले लेते हैं, राइट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे से हम वापस से एक ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे व्यू है हमारा सेकेंड था, जो हम यहाँ पे कर देते इसको व्यू, और व्यू को हम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे से ले लेते व्यू और व्यू को कर दिया हमने यहाँ पे नीचे,
ये देख सकते हो टेक्निकल व्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, ऊपर की साइड क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो। अब आप यहाँ चाहो तो कोई कट वट भी कर सकते हो, इसमें कट करना होगा तो आपको ड्रॉ पर क्लिक कर देना है, बाकी आपका बन चुका है। आपको सिंपल इसको भी काट देना है, अभी मैं आपको बता दूंगा। सिंपल आप ऐसे कर सकते हो और आप चाहो तो इसको कट भी मार सकते हो। इसमें कोई भी कट वट मारना हो आपको तो आप सिंपल यहाँ पे से देख सकते हो। हम इस पर से ले लेते हैं अभी वाइट कलर, ठीक है। और वाइट कलर लेने के बाद अब यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे से ले लेते हैं ये लाइन, और इसको हम इसकी जो बीट है वो कम कर देते हैं, इसकी साइज। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप चाहो तो इसे कट भी मार सकते हो, देख सकते हो जैसे, है ना। अभी हम इसको हटा देते हैं, जैसे वापस आप जहाँ पे जैसा चाहो वैसा कट भी मार सकते हो, ठीक है। हमने इस पर सिंपल ऐसे भी कट मार सकते हैं, ऐसा करके आप कोई सा भी कट यहाँ पे मार सकते हो, है ना। उसके बाद आपको कर देना क्या है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब अगर आपको इसको सेव करना है, जैसे मान लीजिए आपका लोगो तो तैयार हो चुका है, आप चाहो तो इसमें कोई स्टिकर डाल सकते हो। जैसे कि स्टिकर कैसा, अगर आप इस पर टेक्स्ट पे वापस से क्लिक कर दोगे और यहाँ पे नीचे पे क्लिक करोगे आप, तो आप यहाँ पे से कोई से भी स्टिकर ले सकते हो। आपके ये फ्री रहते हैं, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं, स्टिकर में आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे पृथ्वी ले लेता हूँ, अर्थ ले लेता हूँ, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा, ये बेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अभी मैंने इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, ये देखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा ये। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने राइट में। अब आपको इसको सेव कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे इसका जो लोगो साइज है ये टूल है, यहाँ पे क्लिक कर देना है टूल पे। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो शेप क्रॉप, शेप क्रॉप पे आपको क्लिक कर देना है। और ये जो सेफ है हमने गोल ले लिया है, ठीक है, ये गोल हमने यहाँ पे ले लिया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अब इसका साइज़ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो जैसे इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप। तो आप जो भी साइज लोगे ये लोगो का इट बन जाएगा आपका, ठीक है, ये देख सकते हो। और सिंपल आप ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप चाहो तो इसकी बॉर्डर ऑर्डर भी दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें बॉर्डर ऑर्डर भी दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले, हम यहाँ पे इसको सेव कर देने वाले। अब यहाँ देखोगे आप तो ये आपका जो लोगो है वो तैयार हो चुका है, देख सकते हो आपका लोगो ऐसा बन चुका है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे आप चाहते तो, बाकी मैंने सिंपल आपको एक तरीका करके बता दिया है। अब आप यहाँ पे से कुछ भी बना सकते हो। अब ऊपर यहाँ पे वापस एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, सेव टू गैलरी। यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करोगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। इस तरह से बना सकते हो आप आराम से लोगो, वो भी आपके पिक्सआर्ट से, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस टाइप से आप एक लोगो बढ़िया बना सकते हो। तो इस तरह से बनता है दोस्तों लोगो। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने थंबनेल बनाना बताया, पिक्सआर्ट का पूरा यूज़ बताया था, कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी यूट्यूब से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूट्यूब सेटिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में, दो तीन अप्लीकेशन बताई मैंने कि वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे क्या यूज़ रहता हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।